हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, आखिर श्रद्धा आर्य ने किस तरह सरेआम उड़ा दी एकता कपूर की धज्जियां। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इस वक्त एकता कपूर हो रही हैं लगातार ट्रोल। वेल दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल, हाल ही में श्रद्धा आर्य और शक्ति अरोड़ा का सुपरहिट सीरियल कुंडली भाग्य एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। जी हाँ, श्रद्धा आर्य यानी कि प्रीता और शक्ति अरोड़ा, जो फिलहाल अर्जुन सूर्यवंशी उर्फ करण लूथरा का करेक्टर कुंडली भाग्य शो में निभा रहे हैं, वेल दोनों की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है। दोनों की शादी होने वाली है, पता चल गया है सबको कि अर्जुन ही करण है। लंबे समय से ये कहानी घूम रही थी कि आखिर अर्जुन करण है, ये सच्चाई कैसे और कब पता चलेगी। लेकिन इस सच्चाई को सामने आना ही था और ये सच्चाई सामने आई और दोनों की शादी हो रही थी। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से शादी टूट जाएगी। लेकिन आखिर एकता कपूर की धज्जियां इसमें कैसे उड़ाई श्रद्धा आर्य ने? वेल, आपको बता दे कि श्रद्धा आर्य ने अपने ऑन सेट्स में शक्ति अरोड़ा के साथ अपनी वेडिंग पिक्स को शेयर किया, जिसमें वो बहुत ही क्रेजी पोज करती हुई नजर आ रही थी। इंजॉय कर रही थी वो शक्ति अरोड़ा के साथ अपने शूट को और लिखती हैं कैप्शन में, व्हेन इट्स योर 10th वेडिंग इन द सेम शो एंड नाउ यू डोंट केयर व्हाई व्हेन और विद हुम इट इज #, क्योंकि ये मेरा कुंडली भाग्य है #, प्रीजुन। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ ये कहा है प्रीता यानी कि श्रद्धा आर्य ने कि एक ही शो में एक ही जगह पर जब आपकी 10वीं बार शादी हो रही हो और अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्यों हो रही है, किसके साथ हो रही है, कब हो रही है, और उन्होंने #, में लिखा है क्योंकि ये मेरा कुंडली भाग्य है। अब इस पर फैंस कह रहे हैं क्योंकि ये एकता कपूर का सीरियल है, एकता के पास कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है और ये जब देखो शादियां ही करवाती रहेंगी, एक के बाद एक शादियां दिखाएंगी, जबकि कितना ज़्यादा गलत है। वेल, आप क्या कहेंगे श्रद्धा आर्य के इस कैप्शन से? हमें अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।